आगामी 28 और 29 मई को गुवाहाटी में एशियन कॉन्फ्लुएंस द्वारा दो दिवसीय रिवर कॉन्क्लेव नदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के लिए गुवाहाटी में कई नेताओं के साथ विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए के अब्दुल मोमिन, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनवाल, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, असम के परिवहन विभाग के मंत्री चंद्रमोहन पटवारी मौजूद रहेंगे। वहीं समापन कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपस्थित रहेंगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न देशों के उच्चायुक्त, राष्ट्रदूत, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और कई विशिष्ट लोग शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया में उपक्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। आज एशियन कॉन्फ्लुएंस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस बात की जानकारी दी गई। एशियन कॉन्फ्लुएंस के कार्यकारी निदेशक सब्यसाची दत्त ने इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया। The aim is to forge collaboration between various agencies, various nations, various government bodies at both the state, center and ground levels. So government of India is there represented, government of Assam, Act East Department and the Northeastern Council. They are all partners to this conference. And the idea is, how do you forge collaborations between these various agencies to come together for planning and implementation of projects which are holistic in nature? To make sure that our rivers are become clean, they are flowing properly, they are not disaster prone, and even if there is disaster, how to manage them, you know? And also they become connectors of peace, prosperity, trade, commerce, and enablers of cultural exchanges between the countries. और वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के असम सरकार के सचिव मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सम्मेलन की तैयारियों के बारे में बताया। इस कॉन्फ्रेंस में आसियान के जो भी देश हैं, इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के जो देश हैं और इसके अलावा भी जो फार ईस्ट के कंट्रीज हैं, इनको साथ मिले के बात करेंगे कि हम कैसे जो वर्तमान हमारी स्थितियां हैं, वर्तमान हमारा जो आपसी जो साझे में व्यापार चल रहा है या जो भी कल्चरल एक्सचेंज चल रहे हैं, उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, इस पे हम लोग बात करेंगे। 28 और 29 गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में ये कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी आ रहे हैं और 29 को हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आ रही हैं।